दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे अकाउंट में 101 रुपया है। तो इस अमाउंट को हम भेजना चाहते हैं। भेजने के लिए यहाँ पे हम लोग पे में क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम एक QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे स्कैन QR कोड में क्लिक करके एक QR कोड को स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से घूम रहा है, और घूमने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जा रहा है। और यहाँ पे हम जैसे अमाउंट डालते हैं जितना हमको भेजना है इस नंबर पे, इसको हम भेजना चाहते हैं 25 रुपया, और यहाँ पे हम नोट में कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे हेलो लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाउ का जो ऑप्शन है, जैसे इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है, और घूमने के बाद यहाँ पे एमपिन डालने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एमपिन को डाल देते हैं। तो एमपिन जो हमारा था वो यहाँ पे हम डाल दिए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है। घूमने के बाद हमको यहाँ पे बार बार ये प्रॉब्लम आ जा रहा है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है UPI सर्विस आर डिसेबल ऑन योर अकाउंट, चेंज सेटिंग एंड ट्राई अगेन लेटर। कुछ इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यही हम आपको बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक घूम ही रहा है, लेकिन बार बार हमको वही प्रॉब्लम आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चलिए हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम थोड़ा सा जैसे वेट किए थे, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आपको रिट्राई में क्लिक करना है, यहाँ से बैक आ जाना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वही प्रॉब्लम आया था हमको, यहाँ पे हम रिट्राई में क्लिक करके बैक हो चुके हैं। आप लोग को भी बैक हो जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, क्या करना है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है, और आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन सर्च कर लेना है। यहाँ से जैसे आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा, यहाँ पर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका अपडेट वगैरह आया रहेगा तो इसको अपडेट ज़रूर से कर लेना है। ठीक है, जैसे अपडेट आप में लगाइएगा तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, तो अपडेट होने में थोड़ा समय लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और आपको ये प्रॉब्लम कब से आ रहा है नीचे ज़रूर से आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो को आप रोक के जरूर से पहले कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ओपन में क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ओपन में क्लिक करना है। जैसे ओपन में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे खुल रहा है, तो यहाँ पे आपको खुलने देना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन खुल चुका है, लेकिन मनी नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे हम मनी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कॉर्नर में क्लिक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना नंबर छुपा देते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेटिंग में क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब आपको कहाँ पे क्लिक करना है ये आप जान लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन है, पेमेंट सेटिंग, ऑटो पे, बैंकिंग। तो यहाँ पे हम पेमेंट सेटिंग में क्लिक करते हैं सबसे ऊपर वाला में। जैसे पेमेंट सेटिंग में क्लिक किए हैं, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कहाँ पे क्लिक किए, पेमेंट सेटिंग में क्लिक किए। तो यहाँ पे आपको भी पेमेंट सेटिंग में क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऐड मनी का, उसके बगल में यहाँ पे एयरटेल मनी का जो ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑफ रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन में यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन ऑफ है, तो सिंपली से आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे ऑन कीजिएगा, जो आपका पासवर्ड है यहाँ पे एम पिन है जो एयरटेल पेमेंट बैंक का, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आप फॉरगेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस तरह से आप एम पिन को फॉरगेट करके नया बना सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। बाकी यहाँ पे हमको पता है, इसीलिए यहाँ पे हम अपना एम पिन को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम एम पिन को डाल दिए, यहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं अनब्लॉक UPI ID UPI है सिर्फ, आर यू श्योर वांट टू अनेबल योर UPI सर्विस। तो यहाँ पे आपको यस में क्लिक कर देना। जैसे यस में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे घूम रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं UPI सर्विस एनेबल सक्सेसफुली, यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको ओके में क्लिक कर देना। ठीक है, ओके में आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ से सिंपली से आपको पूरा बैक आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पे में क्लिक करना है। जैसे आप पे में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि पैसा जाता है या नहीं। हम आपको दिखा देते हैं कि पैसा जाता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें फिर से एक QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे हम गैलरी में सेव करके रखे हैं QR कोड को, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे आप वेट कर लीजिएगा, आपको क्या करना है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
तो हमारा अकाउंट में कितना रुपया था, 101 रुपया था, तो हम 101 रुपया यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पे नाउ में क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पे नाउ में क्लिक करते हैं, यहाँ पर घूम रहा है, और जैसे घूम रहा है फिर से यहाँ पर एम पिन मांग रहा है, तो यहाँ पर हम अपना एम पिन को डाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम पिन को डाल दिए, यहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग योर पेमेंट हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा फिर से वेट करना है, और जैसे आप वेट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको भी चेक कर लेना है कि आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपका वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ताकि कोई दूसरा आदमी को यकीन हो जाए कि हाँ ये वीडियो सही है। तो यहाँ पे आपको कमेंट ज़रूर से कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक नहीं किए तो ज़रूर से कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।